तत्त्वं सच्चित्सुखं परमहं सगतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंगः तपोभिक्षीण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूनामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षात् मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक परंपरा है, परंपरा का एक विश्वास है कि जब भी हम कोई यज्ञ शुरू करते हैं तो शुरू में राक्षस विघ्न डालने हमेशा आते। कोई भी आप यज्ञ करते हो तो शुरू में राक्षस उसमें विघ्न डालने आते। तो ये जो हमने यज्ञ रचा है इसका कई इसके पहलू हैं, तो नेचर के ये अलग अलग इश्यूज हमें विघ्न डालते हैं। बट हम भी ढीठ लोग हैं, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को उस रास्ते पे ले चलते हैं जो हमें अध्यात्म की तरफ ले जाता है। नाउ आज जो हम बात कर रहे हैं बड़े सिंपल शब्द है उस पे चर्चा कर रहे हैं, वो है वेदांत। वेदांत और सनातन धर्म। जैसे कि आप सब जानते हैं वेदांत दो शब्दों से बना हुआ है, वेदा अंत। कुछ लोग वेदांत कहते हैं, कोई वेदांता कहता है। जैसे कुछ शिवा कहते हैं, कोई शिव कहता है, कोई योग कहता है तो कोई योगा कहता है, कोई कृष्णा कहता है तो कोई कृष्ण कहता है। इट डजंट मैटर। तो वेदांत दो शब्दों से बना, वेदा अंत। वेदा मीन्स नॉलेज, अंत मीन्स कल्बिनेशन ऑफ नॉलेज। वेदा मीन्स नॉलेज, अंत मीन्स कल्बिनेशन ऑफ नॉलेज। सो दिस नॉलेज की एक हाईएस्ट नॉलेज है वेदांत। एंड आप शायद हैरान होंगे सुन के, दुनिया की कई भाषाओं में वेदा मीन्स नॉलेज है। आई रिमेम्बर आई वॉज इन फिनलैंड, फिनलैंड में मैं लेक्चरिंग सम प्लेस एंड देन आई यूज द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज। तो पीपल सेड सर इन फिनिश लैंग्वेज ऑल्सो वी से वेदा मीन्स नॉलेज। सो बात सिंपल ये है कि नॉलेज का ये हाईएस्ट नॉलेज है। चार वेद है हमारे पास, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और इन चार वेदों के चार पार्ट्स हैं, हर वेद के चार पार्ट्स हैं, अरण्यका, कर्मकांडास, ब्राह्मणास और जो सबसे आखिरी पोर्शन है वेदों का वो पहचाना जाता है उपनिषद से, क्योंकि वेदों का आखिरी पोर्शन है इसलिए उसका नाम पड़ा वेदा अंत। वेदांता मीन्स उपनिषद। और ये उपनिषद 316 है, उसमें से 108 इंपॉर्टेंट उपनिषद है और उसमें से भी 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 उपनिषदों पे तीन आचार्यों ने अपनी कमेंट्री दी है। वो तीन आचार्य हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। तो ये जो आचार्य हैं ये हमें ज्ञान देते, इसकी कमेंट्री एक्सप्लेन किया 11 उपनिषदों की। केनो उपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कई उपनिषद। सो हर उपनिषद का जो फिलॉसफी है वो हमारा सब्जेक्ट है। वेदांत जो है फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ वेदास। कर्मकांडास भी हैं, ब्राह्मणास भी हैं, हिम्स है, नेचर की
वेदों में नेचर के गुणगान भी किए, प्रकृति का गुणगान है, रिचुअल्स है, इंट्रोवर्ट रिचुअल्स है। लेकिन जो चौथा पोर्शन है वेदा का वो है वेदांत। अब वेदांत का जो मूल बिंदु है वो ये है, जागो और भागो, जागो और भागो। ये जो हो रहा है आपके साथ ये सपना है, आपने रात को सोए, रात को आपने सपना देखा, और ये जो सपना जब आप देख रहे थे उस समय आपको ऐसे भास रहा था जैसे सच हो रहा है, बिल्कुल सच रियलिटी नजर आ रहा था। उस समय यदि मैं आपके सपने का टीचर बन के आपके पास आता और कहता कि आप असल में सो रहे हो, आप अपने मखमली गद्दे में सो रहे हो और आराम से बैठो यहां पे, ये जो हो रहा है ये सब झूठ है, तो आप मेरी बात नहीं मानते। जागने के बाद, जागने के बाद देन यू रियलाइज जो भी हुआ था वो टेम्पररी था, झूठ था, माया थी। तो वेदांत का जो मूल बिंदु है वो है ये जगत स्वप्न है। तो फिर मैं कौन हूं? अहम ब्रह्मस्मि, मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्म, मैं निमाणा नहीं हूं, मैं वीक नहीं हूं, मैं दीन नहीं हूं, मैं दरिद्र नहीं हूं, मैं बेचारा नहीं हूं, मैं किस्मत का मारा नहीं हूं, मैं अमृतस्य पुत्र हूं, मैं परमात्मा की संतान, जो भी नाम दे दीजिए, अहम ब्रह्मस्मि। ये जो ज्ञान है ये सनातन धर्म, सनातन धर्म बेसिकली यही है। हिंदू धर्म तो हमारे यहां बाद में आया, हिंदू तो पर्शियन लेके आए, सिंधु नदी के इस किनारे में जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहा गया, क्योंकि सिंध पर्शियन में एस को एच की तरह बोला जाता है, तो हिंदू हो गया। जैसे दिल्ली में जमुना के उस पार के लोगों को क्या बोलते हैं? जमुना पार के लोग। वो वाले लोग हमें जमुना पार नहीं बोलते, लेकिन दिल्ली वाले जमुना पार बोलते। क्यों? एक आइडिया। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैं टर्की गया, टर्की गया तो उन्होंने मुझसे पूछा, अरे हिंदू हिंदू? मैंने कहा हिंदू हिंदू क्या होता है? ना हिंदू हिंदू, हिंदू के हिंदू, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? स्वामी रामतीर्थ जी बताते हैं 1890 में जब अमेरिका में कोई भी जाता था इंडिया से तो उसको लिखते थे हिंदू सिख, हिंदू हिंदू, हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन। जैसे आज भी क्या बोलते हैं? देसी। आज अमेरिका में बोलते हैं देसी है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो, श्रीलंका का हो, उसे देसी बोलते हैं। अफ्रो अमेरिकन बोलते हैं, चाहे वो अफ्रो अमेरिकन हो, चाहे वो सेनेगल का हो, चाहे वो टेंजानिया का, सब एफ्रो अमेरिकन। सो इस कॉन्टिनेंट से जो भी लोग निकले थे सबको हिंदू बोला जाता। तभी तो इकबाल ने बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल पाकिस्तान चला गया था और उसने पाकिस्तान का नेशनल एंथम भी गाया। सो सनातन धर्म एक्चुअल में जो हिंदू धर्म का नाम है वो सनातन धर्म है, इटर्नल लॉस है। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, लॉ है, फिजिक्स के लॉ है, केमिस्ट्री के लॉ है, चेंजलेस है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसका कोई चेंज, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो हम सब उन लॉज को जानने का प्रयास करते हैं वेदांत में। जैसे दूध में नींबू डालोगे तो दूध फटेगा, ये लॉ है, ये सनातन लॉ है, इटर्नल प्रिंसिपल है, ये वेदांत है। यदि आप सेल्फिश हो तो आप एजिटेटेड होंगे, ये लॉ है। यदि मैं सेल्फिश हूं तो मैं एजिटेटेड होऊंगा, ये लॉ है, कोई तोड़ नहीं सकता इसको। नहीं मैं बड़ा अनसेल्फिश हूं लेकिन एजिटेटेड हूं, नहीं है। जहां सेल्फिशनेस आई वहां पे एजिटेशन आएगी ही आएगी, ये लॉ है। यदि आप दिल से चलते हो तो दिमाग वाले लोग आपको दबा के रखेंगे, ये लॉ है, सनातन धर्म है, इटर्नल प्रिंसिपल है, जो वेदांत में
शास्त्रों में हमें पढ़ाया जाता है, उपनिषदों में पढ़ाया जाता है। उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि अप्रज्ञानम ब्रह्म। ये जो फिर रिचुअल्स आए, पूजा पाठ आई, ये बात की पैकेजिंग है। असल में आप देखिए तो जो आइडल वर्शिप है वो भी शंकराचार्य लेके आए। यदि आप राम जी के समय देखिए, कृष्ण जी के समय देखिए, वो किसी मंदिर में नहीं गए। रामायण में या भागवतम में या कृष्ण जी महाभारत में किसी मंदिर में नहीं गए, बिकॉज द मंदिर कॉन्सेप्ट शंकराचार्य लेके आया था। ऑफकोर्स शिवलिंग होते थे, शिवलिंग बनाते थे, लेकिन वो जो मंदिर का कॉन्सेप्ट था वो शंकराचार्य लेके आया। जैसे भारत में हम शायद इतने मंदिर नहीं जाते होंगे, लेकिन यदि आप अमेरिका में हो, तो आप इंडियंस मंदिर हर हफ्ते जाते हैं। वहां पे जो प्रीस्ट की वैल्यू इतनी ज्यादा है, आई कांट इवन टेल यू। अमेरिका के सिटीज में जो प्रीस्ट रहते हैं, हिंदू प्रीस्ट रहते हैं, उनकी बहुत वैल्यू है। क्यों? क्योंकि कम है, उनके लिए मंदिर एक कम्युनिटी सेंटर है। तो आदि शंकराचार्य ने मंदिर का कॉन्सेप्ट लाया। तो सबसे पहले जो वेदांत था वो तत्त्वमसि था, अहम ब्रह्मास्मि था। जब उसको समझने में मुश्किल हुई तो शंकरा ने बीच में उसको कर्मा लेके आ गए, उसमें कर्मा इंट्रोड्यूस किया गया, पूजा करो, अर्चना करो, तर्पण करो, प्रक्रिया करो। और आज से 500 साल पहले जब भक्ति युग आया, उस समय भक्ति का प्रपोर्शन ज्यादा हो गया, बट जो मूल है वो है नॉलेज, ज्ञान। वो किसका ज्ञान? तत्त्वमसि। किसका ज्ञान? अहम ब्रह्मास्मि। किसका ज्ञान? कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यदि मन निर्मल हो जाए तो आपको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके पीछे भगवान जी जाएंगे। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो हम सब लोग वेदांत जो पढ़ रहे हैं, सनातन धर्म में जो हैं, उसका हम एक ही मकसद है, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। और वो पहचानना ही ब्रह्म ज्ञान है, वो पहचानना ही आत्मज्ञान है। और संतों ने, विदेश वेस्ट के संतों ने बहुत बढ़ चढ़ के बोला है। फेमस मैक्स मूलर की कहानी की कोटेशन है, सुना है मैंने, अब ओरिजिनल मैंने नहीं पढ़ी लेकिन सुना है मैंने। मैक्स मूलर ने कहा था, ब्लेसड आर दोज़ हू बोर्न इन इंडिया, ब्लेसड आर दोज़ हू आर स्टेइंग इन इंडिया। वो महान है जो भारत में पैदा हुए, तो वो भी महान है जो भारत में कभी भारत में रह रहे हैं। ब्लेसड आर दोज़ हू बीन टू इंडिया, वो भी महान है जो कभी भारत गए। मैक्स मूलर सेड दे आर इवन ब्लेस्ड दोज़ हू इवन नो इंडिया, वो भी महान है जो कभी भारत गए। यदि आप मैक्स मूलर पढ़े तो मैक्स मूलर को अंग्रेजों ने ऑक्सफोर्ड से लेके आए थे भारत, इसलिए शुरू की मैक्स मूलर की राइटिंग एंटी हिंदू लगती है, क्योंकि दे वांट टू डिग्रेड हिंदुइज्म, दैट्स व्हाई वो स्कॉलर लेके आए। बट जैसे ही वो आगे बढ़ता गया मैक्स मूलर स्कॉलरशिप वेदांत की स्टडी में, ही रियलाइज इट्स अ सोलेस ऑफ माई लाइफ, इट विल बी सोलेस ऑफ माई डेथ, सोलेस ऑफ माई लाइफ, सोलेस ऑफ माई डेथ। So, हम सब लोग बड़े महान हैं, हम लोग बड़े श्रेष्ठ हैं जो इस धरती पे हमने जन्म लिया, जहां पे वेदांत और सनातन धर्म का पुष्प उगता है। मैक्स मूलर की एक घटना बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो भारत आए। देखिए, मैक्स मूलर वो व्यक्ति है जिसने वेदों को, उपनिषदों को सबसे पहले ट्रांसलेट किया। सबसे पहला ट्रांसलेशन तो औरंगजेब के भाई ने किया, औरंगजेब के भाई के सबसे पहला ट्रांसलेशन थी, लेकिन उसके बाद पर्शियन ने किया उसने, लेकिन बाद में मैक्स मूलर ने किया।
और मैक्स मुलर की बड़ी इच्छा थी कि वो भारत आता। पहली बार कोशिश करी, उसकी वाइफ की डेथ हो गई, शिप से आते थे उसने। दूसरी बार कोशिश करी, ही गॉट एन एक्सीडेंट। तीसरी बार कोशिश करी, सम अदर इशू हैपन। चौथी बार उन्होंने शिप लिया, शिप में बैठे और शिप मिडवे में कोलैप्स हो गया। नेवर बीन टू इंडिया एंड आई हर्ड दिस फ्रॉम बीबीसी रेडियो। बीबीसी रेडियो में मैंने सुना, नेवर बीन टू इंडिया। और उसकी मैक्स मुलर के सामने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजायर ये थी कि मैं बनारस आऊं और काशी में जाके संवाद करूं। सो हम सब लोग अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, और अध्यात्म के क्षेत्र में जब हैं तो इस भाव से रहें कि हमें वेदांत और सनातन धर्म जो मिला है सिर्फ एक ही पर्पस के लिए मिला है, और वह मोक्ष के लिए, जागने के लिए। शादी के चार फेरे होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। शादी के चार फेरे होते हैं, पहले तीन फेरों में लड़की आगे होती है, पहले तीन फेरों में लड़की आगे होती है, चौथे फेरे में लड़का आगे होता है। अर्थात हिंदुओं के चार पर्पस हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थात पैसा कमाओ, जरूर कमाओ, सोशल ऑब्लिगेटेड ड्यूटी करो, करो अपनी काम वासना एथिकली पूरी करो, करो, लेकिन चौथा फेरा है मोक्ष का। और यदि आप मोक्ष के सिवा किसी और पर्पस के लिए जी रहे हो, मोक्ष के सिवा किसी और पर्पस के लिए आप और मैं ये जी रहे हैं, तो वी आर वेस्टिंग अवर लाइफ। महती विनष्टि, उपनिषद के कहते हैं सुप्रीमली ग्रेटेस्ट लॉस। टू सुपरलेटिव यूज करें, सुप्रीमली ग्रेटेस्ट लॉस, महती विनष्टि। सो लेट्स इवॉल्व, दैट्स द पर्पस ऑफ दिस क्लास। हरि ओम तत्सत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।